हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, सब मस्त होंगे। तो गाइस, लक्की के ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, अभी देख सकते हैं, अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह के अप्रोक्स 7:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं थोड़ा अपने घर से। वो एक्चुअली मेरे बड़े वाले ब्रदर जो हैं वो MP से आ रहे हैं पंजाब, तो हम थोड़ा उनसे स्टेशन पर लेने जा रहे हैं। और चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो यहाँ का स्टेशन है और जो ब्यास है वो कैसा दिखता है, ब्यास सिटी जो है वो कैसी दिखती है और यहाँ का स्टेशन जो है वो कैसा है। तो गाइस, आप देख सकते हो इस साइड की, यहाँ का जो चूना है वो काट लिया गया है इस साइड में, आप देख सकते हो, और इस साइड का भी काट लिया गया है। और ये आप देख सकते हैं, एक सामने से गाड़ी आ रही है, ये इंडिकेटर किधर का दे रहा है, इसको जाना कहाँ है। ये देखिए, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोठी बनी हुई है इस साइड में। थोड़ा सा गाइस बीच बीच में रास्ता खराब है, तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा रास्ता जो है वो खराब है, मिट्टी डाली हुई है यहाँ पे। गाइस, आप ये इस साइड में देख रहे हैं, ये सब जो है ये गुजरों के घर हैं। और पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा गुजर आके बसे हुए हैं गाइस। तो ये देखिए, आप इस साइड में भी देख सकते हैं, और ये देखिए गुजरों ने यहाँ इस साइड की धान, आप देख सकते हैं गाइस, अभी इधर का जो है चूना ये कटा नहीं है, ये पक गया है लेकिन इसको अभी तक काटा नहीं गया है, ये देख सकते हैं आप। हो सकता आने वाले कुछ दिनों में ये भी कट जाए। और गाइस, आप ये जो सामने देख रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन ये कमाद लगी हुई है, वो लगी हुई है कमाद, जैसे गन्ना हम लोग बोलते हैं ना, ये वो गन्ना लगा हुआ है, ये गन्ने के खेत हैं। ये देखिए, आप गाना एंजॉय करिए गाइस।
भाई आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारे इस साइड में लेफ्ट साइड में ये रेड बाउंड्रीज दिख रही है, ये सारी बाउंड्रीज जो है ये ब्यास डेरे जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास है ये उनका डेरा है इसके अंदर, और ये सारी ज़मीन उन्हीं की है, और इस साइड भी जो ज़मीन है वो ये भी उनकी ही है। तो जो हमारा यहाँ नियर अबाउट जो पास में वो पड़ता है, क्या नाम है, स्टेशन पास पड़ता है, वो ब्यास स्टेशन ही है। और हम जब भी एमपी से आते हैं तो हम ज़्यादातर ब्यास स्टेशन पे ही उतरते हैं। और देखिए क्या कितनी अच्छी ही और कितनी खूबसूरत सड़कें हैं यहाँ की, जो ब्यास डेरे ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरे वाले जो बाबा जी हैं उन्होंने बनवाई हैं ये सब सड़कें, और काफ़ी ही चौड़ी हैं गाइस यहाँ की सड़कें, और देखिए काफ़ी ही मतलब खूबसूरत और एकदम भी एकदम कंफर्टेबल है, यहाँ राइड करनी एकदम कंफर्टेबल है। और आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत यहाँ का जो लोकेशन है, इस साइड भी आप देख सकते हैं कि एकदम प्यारी प्यारी खेती बाड़ी है। और ये देखिए ये सारी बाउंड्रीज आप जितना भी देखेंगे रेड कलर की जहाँ जहाँ तक है ये सब राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरे वाले बाबा जी लोग, ये और काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ का, और मॉर्निंग में और इवनिंग में तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ का व्यू रहता है। और गाइस जिस स्टेशन में मैं आपको लेके जा रहा हूँ ना वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं जो मोदी जी हैं उन्होंने उस स्टेशन को सबसे साफ़ सुथरा और मतलब साफ़ सफाई के मामले में सबसे साफ़ सुथरा स्टेशन बताया गया है, उनको उसको अवार्ड मिला है उस चीज़ के लिए। तो चलिए गाइस व्लॉग में जुड़े रहिएगा और हम आपसे मिलते हैं स्टेशन पहुँच के, और रास्ते का व्यू भी आपको बीच में कुछ ना कुछ दिखाएंगे। ये देखिए सब ये डेरे वाले सत्संग ब्यास जो है बाबा जी उन्हीं का है। तो बने रहिएगा व्लॉग में गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये देखिए गाइस आप इधर देख सकते हैं ये सारा ब्यास के अंडर में आता है, और ये जो इस साइड में गेट है ये डेरा बाबा जयमल सिंह जो हैं यहाँ ब्यास डेरे के उनका गेट है। और ये जो गांव है इस गांव का नाम है बुड्ढेठे। देखिए काफ़ी खूबसूरत इधर कोठियाँ बनी हुई हैं ये देखिए, और ये ब्यास के पास का ही जो है मतलब ये ब्यास के ही अंडर में आता है, और काफ़ी खूबसूरत है ये जगह। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ की ये मार्केट है छोटी सी, तो ये देखिए गाइस ये जो है ये ब्यास रेलवे स्टेशन है, इस साइड में बिजली विभाग का कुछ वो है यहाँ के, और ये है रेलवे स्टेशन ब्यास का, काफ़ी खूबसूरत है ये स्टेशन, ये देख सकते हैं आप इस साइड में। ये देखिए गाइस काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है, ये है छोटा स्टेशन लेकिन मतलब साफ़ सुथरी और सफाई के मामले में ये काफ़ी एकदम पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है ये। और ये देखिए गाइस इधर ये टैक्सी स्टैंड है इस साइड में, देख सकते हो अब काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है ये, और कुछ इधर का व्यू ऐसा है, और वो ट्रेन आ रही है जिसमें मेरे भाई आ रहे हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत इधर का व्यू है। और एक इस साइड भी देख सकते हो आप, और स्टेशन पे काफ़ी साफ सुथरा स्टेशन है, काफ़ी सफाई है यहाँ पे। अभी देखिए वो गाड़ी जो आ रही है वो इधर से आएगी, ये जो गाड़ी आ रही है इसी पे वो आया बैठ के। ये गाइस हम चलते हैं उसको ले लेते हैं, और
उसके ना एक्चुअली पैर में चोट लगी हुई है, तो इस वजह से वो भी थोड़ा सा ना चोट नहीं मतलब वो जैसे पैर वगैरह में वो भौरी टाइप से हो जाती है ना, तो उसके वैसी टाइप से हुई थी। तो वो इसी वजह से थोड़ा सा ना उसके पैर में ऑपरेशन वगैरह उसने कराया था। तो देखिए गाड़ी आ रही है, उतरता है वो तो उसको लेके चलते हैं हम। देखते हैं गाइस कहाँ पे पहुँचा है वो, उतरता है तो उसको लेके चलते हैं।